ऐसे टिप्स जो कि बड़ी ईद को गुजारने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आप गोश्त भी खाएं, ईद भी इंजॉय करें और आपको किसी किस्म का सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी ना फेस करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डॉक्टर एंड डाइटिशियन सारमा शाहिद। आज के वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ख़ास तौर पर ईद के मौका पर। नंबर वन, जब आप गोश्त खाएं तो कोशिश करें कि उसको फ्राई ना करें, उसको ग्रिल करें हमेशा, या स्टीम की फॉर्म में, उसको बारबी की फॉर्म में इस्तेमाल करें। नंबर दो, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, ज़्यादा स्पाइसेस ग्रेवी के अंदर बिल्कुल भी शामिल ना करें, उसकी जगह आप क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें और साथ ही साथ कोई भी सॉसेस ना इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि ग्रेवीज को प्लेन और सिंपल बनाएं। नंबर तीन, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ख़ास तौर पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी जो है वो उसको प्रेफरेबली तौर पे कम इस्तेमाल करें। नंबर तीन, फाइबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रोटीन का पोर्शन लेते हैं तो वो आपको कब्ज़ कर सकता है, तजाबियत कर सकता है, गैस कर सकता है, मैदे के अमराज में मुबतला कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि फल और सब्ज़ियाँ लाजमी शामिल करें। एक पोर्शन आप उसके अंदर चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, पानी के अंदर मिला के एक गिलास चिया सीड्स पी सकते हैं, या उसके अलावा इसबगोल का छिलका खाएं, ताकि आपका जो फाइबर है वो मेंटेन रहे, आपको कब्ज़ वगैरह ना हो और आपको अच्छे तरीके से खाना जो है वो हज़म होता रहे। दही का इस्तेमाल लाजमी करें, कोशिश करें कि पुदीने की चटनी उसके अंदर शामिल करें, ताकि आपको तजाबियत का मसला भी ना हो। नंबर फाइव, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें। इसका मतलब ये है कि वक्फे वक्फे बाद खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, एक ही दम बहुत ज़्यादा खाना बिल्कुल भी ना खाएं, ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक, फिज़ी ड्रिंक, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, घर के बनाए हुए शरबत इस्तेमाल करें, जैसा कि पुदीने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेमनेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका हाजमा जो है वो दुरुस्त रहे, ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से आपका हाजमा ख़राब ना हो। लास्ट एंड सबसे अहम टिप, सलाद को लाजमी शामिल करें, सलाद का पोर्शन आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। गोश्त खाएं, चपाती खाएं, नान खाएं, चावल खाएं, बिरयानी पुलाव, जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन साथ में सलाद को लाजमी शामिल करें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जैसा कि मैदे से रिलेटेड ख़ास तौर पे मसला फेस ना करना पड़े। उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम टिप्स पसंद नहीं होंगी, इनको लाजमी फॉलो करें, अपना फ़ीडबैक दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।